हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दीपाली गर्ग। वेलकम टू स्टडी फ्यूजन। गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो गाइस, हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को डायग्राम की हेल्प से समझने वाले हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में फोर ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला ऑर्गन है किडनीज। गाइस, हमारी बॉडी में टू किडनीज प्रेजेंट है। टू किडनीज मतलब वन पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। तो गाइस, ये जो किडनीज होती हैं, ये बीन शेप की होती हैं, ठीक है। इनकी शेप कैसी होती है? बीन शेप, ठीक है। गाइस, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। तो गाइस, चलिए लेबलिंग कर लेते हैं डायग्राम की। गाइस, ये हो गई किडनी, ठीक है। अगेन, ये भी किडनी। गाइस, ये हो गई लेफ्ट किडनी एंड ये हो गई राइट किडनी। गाइस, जो राइट किडनी होती है वो लोअर होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। गाइस, अगर मैं ऐसे खड़े हूँ तो ये मेरी कौन सी हो गई? राइट किडनी। और ये कौन सी हो गई? लेफ्ट किडनी, ठीक है। तो जो लेफ्ट वाली, जो राइट वाली किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर पोजीशन पर होती है एज कंपेरिजन टू लेफ्ट किडनी, ठीक है। तो गाइस, जो राइट किडनी होती है वो हल्की सी लोअर पोजिशन पर होती है। देन गाइस, हर एक किडनी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको कहा जाता है यूरेटर, ठीक है। गाइस, हर एक किडनी से एक ट्यूब निकलता है जिसको यूरेटर कहा जाता है। ये जो यूरेटर होता है, इसमें यूरिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि गाइस, जो ब्लड आता है किडनी के अंदर, उस ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होता है। अब किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको यूरिन की फॉर्म में एलिमिनेट करती है। तो गाइस, किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो यूरिन होता है वो किडनी से यूरेटर के थ्रू आता है और गाइस, किधर कलेक्ट हो जाता है? ये यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो गाइस, हर एक जो यूरेटर है ये किससे कनेक्टेड है? यूरिनरी ब्लैडर में। एंड गाइस, यूरिनरी ब्लैडर का ये जो लास्ट ये पोर्शन है, इसको कहते हैं यूरेथ्रा। तो गाइस, यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन है वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। देन गाइस, यहाँ पर जो यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। गाइस, ये जो स्फिंक्टर होता है, ये मसल होती है जो यूरिन के फ्लो को मेंटेन करती है, ठीक है। देन गाइस, हर एक किडनी में ये जो ब्लड आ रहा है, गाइस, ये तो हो गई मेन आयोटा, ठीक है। हार्ट से जो मेन आयोटा निकलता है, जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है, तो गाइस ये तो हो गई आयोटा। अब आयोटा फर्दर ब्रांच में कन्वर्ट हो गई। गाइस, ये जो किडनी के अंदर ये जो ब्रांच जा रही है, ये जो आर्टरी जा रही है, ये है रीनल आर्टरी। गाइस, आप लोगों को पता है आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। बाकी सारी आर्टरीज में कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। गाइस, इसका मतलब यहाँ पे जो रीनल आर्टरी है, इस आर्टरी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बट गाइस, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है। क्योंकि गाइस, ब्लड में टू टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में टू टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है CO2 और एक होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, एक गैशियस वेस्ट और एक नाइट्रोजनस वेस्ट। गाइस, जो ब्लड ऑक्सीजन और जिस ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, जैसे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट है वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। अब गाइस, यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है रीनल आर्टरी के थ्रू, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि किडनी को तो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बट गाइस, इस ब्लड में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होता है
और ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ये किडनी के थ्रू एलिमिनेट होता है। तो किडनी में नाइट्रोजनस वेस्ट का फिल्ट्रेशन होता है, जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, उसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो एलिमिनेट होता है, ठीक है। और गाइस जो गैशियस का एलिमिनेशन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका जो एलिमिनेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो गैशियस पार्ट का जो फिल्टर होता है ब्लड का वो लंग्स के थ्रू होता है, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किडनी में फिल्टर होता है, ठीक है। देन गाइस ये ब्लड में, ये जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है। देन गाइस ये जो मेन वेन है ये है पोस्टीरियर वेना कावा, ठीक है गाइस, पोस्टीरियर वेना कावा जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट में लेकर जाती है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे ये जो ब्रांच है ये है रीनल वेन, और गाइस रीनल वेन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, मतलब जो रीनल वेन से जो ब्लड निकलता है वो किडनी से फिल्टर होके निकलता है, और किडनी किसका फिल्ट्रेशन करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट का। तो गाइस अब रीनल वेन में जो ब्लड निकलता है उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट का जो फिल्ट्रेशन था वो किडनी में हो गया। अब किडनी से जो ब्लड निकल रहा है वो रीनल वेन के थ्रू निकलता है जिसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। अब गाइस ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है इसका लंग्स में फिल्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। गाइस याद रखिए कि जो रीनल आर्टरी होती है ये किडनी के अंदर ब्लड को लेकर आती है, और जो रीनल वेन होती है ये किडनी से ब्लड को लेकर जाती है, ठीक है। तो किडनी में मेनली किसका फिल्ट्रेशन होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड है जो वो फिल्टर होता है, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एलिमिनेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। तो गाइस जो किडनीज होती हैं इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर, मतलब जो ये लेंथ है ये है 10 सेंटीमीटर, एंड गाइस ये 6 सेंटीमीटर वाइड होती है, ठीक है। देन गाइस अगर लोकेशन की बात करते हैं तो ईदर साइड ऑफ दी बैकबोन, जो हमारी बैकबोन होती है उसके साइड में, हर एक साइड में, दोनों साइड में प्रेजेंट होती है कि किडनी, एंड प्रोटेक्टेड बाय लास्ट टू रिब्स। गाइस जो हमारी लास्ट की टू रिब्स होती हैं वो किडनी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। देन गाइस नेक्स्ट जो ऑर्गन आता है वो आता है यूरेटर, तो टू यूरेटर प्रेजेंट होते हैं जो हर एक किडनी से निकलते हैं और यूरिन को लेकर जाते हैं कहाँ तक, यूरिनरी ब्लैडर तक, ठीक है। गाइस नेक्स्ट जो ऑर्गन हो गया वो क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। गाइस यूरेटर का क्या काम है, हर एक किडनी से यूरिन को लेकर आता है और यूरिनरी ब्लैडर में डाल देता है। अब गाइस यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता जाता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता जाता है। देन गाइस एक टाइम ऐसा आता है जिसके थ्रू यूरिन बाहर निकल जाता है। तो गाइस जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर किसके थ्रू निकलता है, यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है। देन गाइस जो यूरिनरी ब्लैडर है ये इलास्टिक वॉल्स प्रेजेंट है, इलास्टिक होती है ये ताकि यूरिन को स्टोर कर सके। देन गाइस यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, ये मसल्स होती हैं जो कि यूरिन के फ्लो को मेंटेन करती हैं, ठीक है। गाइस ये याद रखिएगा, डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, डायग्राम की लेबलिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। गाइस यहाँ पे जो रेड कलर का जो ब्लड है, ठीक है, रेड कलर का ब्लड का मतलब है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। गाइस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल टोटली प्योर ब्लड है। गाइस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है बट इसके अंदर एक वेस्ट प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस वेस्ट। और गाइस जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो होता है यूरिया, ठीक है। जो यूरिया होता है वो लिवर में प्रोड्यूस होता है, तो जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो होता है यूरिया। तो गाइस जो रीनल आर्टरी में ब्लड प्रेजेंट है उसमें वो है तो ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट गाइस इसके साथ साथ इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, यूरिया। अब इस ब्लड का किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होगा, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा ब्लड से और यूरिन की फॉर्म में एक्सहेल आउट हो जाएगा, ठीक है।
और गाइस जो ब्लड जो किडनी से प्योर ब्लड निकलता है वो रीनल वेन के थ्रू निकलता है। तो गाइस रीनल वेन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, जो ब्लू से हमने शो कराया ये है रीनल वेन। गाइस ब्लू से इस वजह से शो करा है क्योंकि इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, मतलब इस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। बट गाइस इस ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि वो किडनी में फिल्टर हो गया। ठीक है गाइस, ये याद रखिएगा, इस डायग्राम की लेबलिंग को याद रखिएगा, लेबलिंग पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, इस सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं इन्हें नोट कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।